फिल्मी दुनिया के अहद साज, साहिबे तर्ज, लेजेंड, सुपरस्टार, आज वतने अजीज में उनके लाखों चाहने वाले उनकी बरसी मना रहे हैं। मैं फिल्म स्टार मुमताज इस आलमगीर फनकार के बारे में क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। वो कौन से अल्फाज अदा करूं कि उनकी ज़ाते गिरामी का बदल साबित हो। वो प्यारा और मोहब्बत करने वाला चेहरा जो बरसों मरकज़े निगाह रहा और आज जब वो हमारे दरमियान नहीं है तो दिल की कैफियत अजीब होती जाती है, कुछ बयान से बाहर है। उनकी बेशुमार यादें हैं, एक सीनियर फनकार और साथी होने के नाते मेरा उनके साथ काफी वक्त गुजरा। हुस्ने इत्तफाक से जब मेरी पहली फिल्म सलामे मोहब्बत रिलीज हुई तो उसमें मेरा एक रक्स फिल्माया गया। गाने के बोल थे, रात ढली शमा जली परवाने आ। इस गाने में वो मेरे रूबरू बैठे हुए थे और मैं उनको गाना सुना रही थी। फिर उसके बाद मैंने, अल्लाह पाक गरीके रहमत फरमाए परवेज मलिक साहब पर, उनकी फिल्म दुश्मन में हीरोइन का रोल किया तो इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब अहम किरदार अदा कर रहे थे। अल्लाह पाक गरीके रहमत करे वहीद मुराद साहब पे, वो मेरे हीरो थे। उनके साथ काम करते करते एक अपनाइयत हो गई थी। वो हमेशा बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते। अल्लाह पाक गरीक़े रहमत फरमाएं इकबाल यूसुफ़ साहब पर, उनकी फ़िल्म सूरत और सीरत में मुझे उनके मद्दे मुकाबिल हीरोइन का रोल मिला। फिर अनदाता, आगर जिंदगी राजा की आएगी बारात, मंजिल जरा सी बात, हैदर अली, संग्राम, अंबर, हैबत खान वगैरह वगैरह। मोहम्मद अली साहब एक शख्स बल्कि एक शख्सियत जिसमें बेशुमार खूबियां और लातादाद फिल्मी किरदार जिसकी बिना पर वो अपनी ज़ात में एक फ़न की एकेडमी कहलाए। उनकी फ़नी ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी की एल्बम के सफ़हात पलटें तो कई पहलू हमारे सामने आते हैं। उनकी समाजी खिदमात और गरीब परवरी, अवाम दोस्ती को लफ्ज़ों और जुमलों में बयान करना खासा मुश्किल मरहला है। उनके घर अक्सर लोग जमा रहते थे, कभी किसी का कोई मसला, कभी किसी का कोई काम। अगर उनको खुद साथ जाना पड़ता तो वो ज़रूर जाते ताकि उनका काम हो जाए। कोई भी उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। वो कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे कि मैंने किसकी मदद की। जब मैं उनसे बात करती थी तो मुझे यूं महसूस होता था कि यही हैं, बस यही हैं मेरे सगे भाई। बहुत शफ़क़त और प्यार से बात करते थे। अगर मैं उनकी शख्सियत बयान करने लगूं तो शायद 24 घंटे 48 घंटे भी कम पड़ जाएं और अल्फाज भी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में अगर कोई किसी भी चीज़ की कमी होती तो वो कभी शिकायत नहीं करते थे, हर वक्त खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बड़े मज़े की बात, जिस फिल्म में मोहम्मद अली साहब मेरे रूबरू हीरो होते थे तो सीन से पहले
या गाने के शॉट से पहले हम जब आपस में बातें करते थे, अली भाई ऐसे कर लेंगे, अली भाई वो क्यों देखें, अली भाई अली भाई अली भाई, और जब कैमरा स्टार्ट होता था हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लग जाते थे। बहुत ही नफीस इंसान थे, मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा, हर वक्त मोहब्बतें बांटते रहते थे। और अली भाई की शरीक हयात ज़ेबा भाभी भी बिल्कुल ऐसी ही हैं, सबसे मोहब्बत करने वाली। इत्तफाक से एक रोज़ मैं उनके घर में बैठी हुई थी तो बातों बातों में ज़ेबा भाभी ने कहा, अली जिस ज़मीन पर कदम रखे उस ज़मीन की भी खैर हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना लविंग कपल कभी नहीं देखा। हमारे प्यारे जब हमसे छिन जाते हैं तो हम उन्हें याद करने के लिए ही रह जाते हैं। उनकी जुदाई के गम को न सिर्फ उनकी शरीक हयात ज़ेबा भाभी ने बर्दाश्त किया, बल्कि इस गम में दुनिया भर से उनके सैकड़ों परिस्तार भी शरीक गम रहे। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मोहम्मद अली साहब की मगफरत फरमाकर उन्हें जन्नत के आला दरजात में जगह अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड सीनियर एक्ट्रेस फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा का वॉइस नोट आपने शुरू में सुना। जिस तरीके से मुमताज़ साहिबा अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करती हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करूं। मुझे इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब भी हमारे किसी लेजेंड की बरसी होती है तो मुमताज़ साहिबा उसी लेजेंड की डीपी लगा लेती हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। आपने इतने कीमती अल्फाज कहे हमारे एक लेजेंड स्टार के लिए। मोहम्मद अली साहब एक बहुत बड़े लेजेंड हैं, उनको मद्दाहों से बिछड़े 15 साल हो चुके हैं। 19 तारीख थी मार्च का महीना जब मोहम्मद अली साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी जितनी तारीफ मुमताज़ साहिबा ने कर दी उसके बाद मैं मज़ीद उसमें ऐड कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद अली साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा, बहुत सुपरहिट फिल्म्स भी दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मुमताज़ साहिबा को भी हर खुशी दें। आमीन सुम्मा आमीन।